हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुजीत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बैंक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि टाई रोड से शटरिंग कैसे करते हैं, टाई रोड का शटरिंग में क्या यूज़ है, वो भी मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे होता है यूज़, क्या क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। मैं वो भी मैं आपको आज साइड से दिखाने वाला हूँ, अपनी साइड पर दिखाऊँगा कि मेरी साइड पर कैसे मैं टाई रोड से काम करवा रहा हूँ, कैसे हम उसका शटरिंग में यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टाई रोड इस तरीके का होता है, जैसा आप ये देख रहे हैं, ये 32 mm का रोड है मेरे पास। इसका शटरिंग में किस प्रकार यूज़ करेंगे, सबसे पहले क्या है, ये शटरिंग बोर्ड हम लगा देंगे। देख रहे हैं आप, ये एक मेरा राफ्ट है, स्टेप फुटिंग है। ये देखिए शटरिंग लगाया हुआ है पूरा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें शटरिंग लगाने के बाद ये हॉरिजॉन्टल पाइप लगाएंगे पूरा, ठीक है। फिर ये वर्टिकल रोड खड़ा कर देंगे नीचे तक। उसके बाद क्या करेंगे, ड्रिल मशीन लेकर आएंगे हम। इसमें क्या करते हैं, ये इसमें देखिए यहाँ पे ड्रिल करेंगे, ड्रिल करते हैं, एक ऊपर करेंगे, एक फ्रंट, ये देखिए आप, एक नीचे करेंगे। ड्रिल करने के बाद इसमें ये 10 mm वाला रोड अंदर घुसाएंगे, ऐसे नीचे घुसाएंगे ये वाला। घुसाने के बाद इसको क्या करेंगे, ये 32 mm का रोड है, 32 का मैंने लिया हुआ है इसलिए कि मोटा रोड है ये, कि ये शटरिंग हिलेगा नहीं, थोड़ा मजबूत होना चाहिए। थोड़ा अगर कम डाया का होगा तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इतना देख ही रहे हैं शटरिंग कितना हैवी है, ठीक है। फिर यहाँ वेल्डिंग कर देंगे इसको, यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे, यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे और अंदर भी वेल्डिंग कर देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी लाइव दिखाता हूँ। वो देखिए वहाँ पर वेल्डिंग किया हुआ है, और नीचे देखिए, नीचे भी वेल्डिंग किया हुआ वाला रोड। उससे क्या होगा, जब इसमें कंक्रीट डलेगा तो कंक्रीट इसको क्या करेगा, पुश करेगा, धकेलेगा अंदर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये रोड यहाँ से हिलेगा नहीं, क्योंकि वेल्डिंग है, ये जाम हो जाएगा अच्छे तरीके से। इसी को हम टाई रोड बोलते हैं, क्योंकि हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं अपनी साइड पे यही यूज़ करवा रहा हूँ शटरिंग में। बाकी जो दूसरा तरीका हम यूजैक लगवाया करते शटरिंग में, क्या था कि फ्रेंड्स, वो एक बार जो है मेरे साथ ये घटना घटी है, कि घटना घटी है कि एक बार कंक्रीट मैंने डलवाया कि कंक्रीट उसके नीचे से निकल गया, शटरिंग के नीचे से निकल गया था। ये शटरिंग है, शटरिंग के नीचे से जो थोड़ा बहुत गैप होता है, यहाँ से कंक्रीट भागने का बहुत बुरा डर रहता है, तो इसको बंद करवाया जाता है। थोड़ा पत्थर वगैरह ये रख के मसाला लगवा सकते हैं इसमें, तो इससे क्या कंक्रीट नीचे से नहीं निकलेगा। तो ये सबसे बढ़िया तरीका लगा मुझे, इसमें थोड़ा समय तो लगता है लेकिन बढ़िया। इससे क्या, शटरिंग खिसकने का, भागने का डर नहीं रहता है और काम बढ़िया होता है। तो फ्रेंड्स, आज आपने इस वीडियो में देखा कि टाई रोड का शटरिंग में हम किस प्रकार यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले बोर्ड लगाएंगे, शटरिंग बोर्ड अपने आप लेबर खड़ा कर देगा, ठीक है। फिर वर्टिकल पाइप लगा देगा, वर्टिकल पाइप के बाद ये 32 mm का रोड खड़ा करेगा। ये कम डाया का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 32 का ही लेना आपको, लेकिन 32 का मैंने इसलिए लिया, हैवी है मेरा राफ्ट, थोड़ा बड़ा है। 32 का रोड खड़ा करेगा, फिर ड्रिल मशीन से इसमें शटरिंग में ये जो बोर्ड है, प्लाई बोर्ड है, एक ड्रिल करेगा, वो अंदर लंबा वाला रोड डालेगा, अंदर भी वेल्डिंग करेगा, बाहर भी इस 32 वाली रोड को वेल्डिंग कर देगा। देखिए जैसे ही वेल्डिंग किया, ये वेल्डिंग कर दिया और ये नीचे वेल्डिंग कर दिया, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो मेरा राफ्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये शटरिंग के लिए रेडी है। ये देखिए स्टेप फुटिंग है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड वाला स्टेप है, और ये सूट वगैरह लगा करके सब रेडी है। ऊपर से मिलर आएगा, TM आएगा, वहाँ से हम कॉन्क्रीट डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ नॉलेज सीखने को मिली होगी। जब भी आप कभी इंटरव्यू देने जाएंगे, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या जॉब कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टाई रोड का यूज़ क्या है शटरिंग में, किस तरीके से। या आप अगर फ्रेशर हैं, कभी जॉब की शुरुआत करेंगे, कहीं भी जाएंगे किसी कंपनी में, अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर, साइट इंचार्ज, साइट इंजीनियर बोल दे आपको कि जाओ टाई रोड लगवाइए शटरिंग में, तो पता होना चाहिए आपको। नहीं पता होता क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम आता है। हेल्प तो होती है लेकिन प्रॉब्लम आता है कि अगर आप एक बार कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली देख लें, आंखों से देख लें, तो आदमी भूल नहीं पाता है। तो वही चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, तो आप ज़रूर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नॉलेज भी बढ़ेगी कि हाँ टाई रोड से अच्छा ऐसे शटरिंग होता है। तो फ्रेंड्स, आपकी इस वीडियो में आपने जाना टाई रोड से हम शटरिंग में कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। कभी भी अगर कोई टाई रोड से संबंधित क्वेश्चन होगा, देखना हो कैसे खड़ा है टाई रोड, कैसे शटरिंग में लगाते हैं, तो डाउनलोड कर वीडियो आपके पास रहेगी तो आप उसको कभी भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी अदर फ्रेंड्स के साथ। और इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसको भी आप आसानी से
इम्प्रेस कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। आगे भी ऐसी वीडियोज़ मैं अपनी साइट से डालता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले, नॉलेज बढ़े, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलता हूँ मैं आज की इस वीडियो में, बस इतना ही, बाय, थैंक यू।